नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनी सिंह फ्रॉम क्लिक पैरामाउंट। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर दिलावर, जो क्लायंस हॉस्पिटल नवी मुंबई में जॉब करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने ये थ्रू आउट द कोरोना एक भी दिन ड्यूटी से ऑफ नहीं लिया। ही डिड ऑल हिज वर्क रिग्रेसली, एंड इन स्पाइट उनके घर पे छोटे बच्चे हैं, डैड एक हार्ट पेशेंट हैं, बट स्टिल वो जाते रहे हॉस्पिटल, उन्होंने सर्व किया, उन्होंने बहुतों की मॉनेटरी हेल्प भी की, जब भी जो भी आज आपके बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब ये मुझे क्लियर करेंगे, एंड होपफुली आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो डॉक्टर दिलावर। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर, और कैसे हैं आप? जी बढ़िया। ओके, अभी भी आप ड्यूटी पे ही? जी जी। ओके, मेरे कुछ सवाल है सर, क्योंकि हमारी ट्रैवल लाइन में चीजें खुल गई हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारे डाउट हैं, तो मैं आपसे कुछ कुछ सवाल करना चाहूंगी। जी। मेरा पहला सवाल है, जैसे जैसे ये लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे काफी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, होटल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, अब आपका ट्रैवलिंग भी शुरू हो रहा है, तो क्या एज अ टूरिस्ट हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग अभी जिन लोगों से मिल रहे हैं या जिन लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें दो किस्म के लोग ज्यादा हैं। एक वो जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि मतलब किसी से बस थोड़ा 5 मिनट की बात करने के बाद भी हमको कोरोना हो जाएगा। Okay. और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि उनको कुछ भी करके कोरोना नहीं हो। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि ना इधर की एक्सट्रीम, ना इस तरह यहाँ की सोचना है ना वहां की, दोनों ही सोच गलत है, एक बैलेंस व्यू रखना है। तो अभी हमारी सरकार ने जो लॉकडाउन खोला है जी, उसका कारण इकोनॉमिक या आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है, इसलिए खोला है। क्योंकि इस तरीके से तो लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे जी। तो लॉकडाउन का खुलना मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया, लॉकडाउन का मतलब ये है कि हमको आर्थिक पैसा कमाना है, इसलिए हमको थोड़ा सा आर्थिक गतिविधि चालू करना है। तो कोरोना है, कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। इस बात का ख्याल रखेंगे तो काफी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ना इतना डरना है कि बिल्कुल ना निकले, और ना ऐसा करना है कि सारे प्रिकॉशन ताक पे रख के हम बस घूमें तो जाए, कुछ नहीं होने वाला मुझे, ऐसा करें। ये दोनों ही सोचे गलत है, एक बैलेंस भी रखना है। बोलिए। ओके, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति, अब क्योंकि खुल रहा है तो लोग बहुत दिनों से लॉकडाउन में है तो लोग जाना भी चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति सपोज यहाँ से टूर पे जा रहा है, जहां भी जा रहा है, कोई भी डेस्टिनेशन, बट बीच रास्ते में अगर उसको कोविड से अफेक्टेड हो गया, तब उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कोविड कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको बीच रास्ते में हो जाएगी और वो साबित भी हो जाएगी कि जैसे अभी मुझे बुखार आया तो मुझे कोविड ही है, या मैं 6 बार छींक दिया तो मुझे कोविड हो गया, या मेरे जोड़ों में थोड़ा हल्का सा दर्द हो रहा है तो मुझे कोविड हो गया, ऐसा कोविड नहीं डॉक्यूमेंट कर सकते, उसको नहीं बोला जा सकता। Okay. हमको सामान्य तरीके से सर्दी जुकाम नजला खांसी भी हो सकता है, वो सारे नजले खांसी जुकाम कोविड ही हो, ये बोलना गलत नहीं है। तो आपको अगर आप यहाँ से सपोज नासिक गए हैं और रास्ते में आपको 6 बार छींक दिया आपने जी, तो आपको कोविड हो गया, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। आप जब तक डॉक्टर से नहीं मिलते हैं और आपका छाती का एक्सरे या और कोई टेस्ट नहीं होता है, तब तक आपको कोविड की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। तो अगर आप कहीं टूर पे गए हैं या बाहर कहीं गए हैं जी, और आपको थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है, तो इसका मतलब आपको कोविड हो गया ऐसा नहीं है। आपको अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप जल्दी से जल्दी हो सके तो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाए, और अगर बहुत जरूरी नहीं है तो उसको टूर को या जो भी प्रोग्राम आप कहा उसको कैंसिल कर दीजिए, वापस आ जाइए। ओके, लेकिन हम ऐसी जगह है जहाँ हम बीच में ही है, सपोज वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ का लोकल प्रशासन फिर क्या क्या कैसे हेल्प करेगा, क्या लुकआउट है? प्रशासन इसमें कुछ हेल्प नहीं करेगा, आपको वहाँ पे अगर लोकल जो डॉक्टर है जी, उनसे मिलना पड़ेगा, वो आपको कुछ बेसिक दवाइयाँ दे देंगे,
और आपको ये बोलेंगे कि आप जब तक ठीक नहीं लगे आप अपने कमरे से या जो भी आपका निवास स्थान है उससे बाहर मत निकलिए। तो आपको आपका जो भी काम से गए हैं वो काम आपको बंद करना पड़ेगा। उसमें अगर आप वापस आने की स्थिति में किसी वजह से नहीं है, सपोज आप नहीं आ पा रहे हो कि मैं स्टक हूं, मेरे पास वापस आने का कोई साधन नहीं है, तो जिस कमरे में आपका स्थान है वहां पर रुके रहिए, प्लीज लोगों से मत मिलिए। और अगर आप वापस आ सकते हैं तो प्लीज तुरंत वापस आ जाइए ताकि आप अपने घर में आराम से रह सके। इधर उधर भटकिए मत, बाहर मत जाइए, लोगों से मत मिलिए। और जो भी डॉक्टर से आप मिल रहे हैं लोकली वो आपको कुछ दवाइयां देंगे, वो दवाइयां लेके आपको आराम करना है। कोरोना में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से ना मिले, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहने, बेसिक यही करना है। ओके अच्छा, और एक अभी होटल्स जिस तरह से खुल गए हैं, ऑफकोर्स क्योंकि सबने ही स्टार्ट कर दिया है अपना प्रमोशन देना कि हम वी आर ओपन, तो होटल्स जो हमें अपडेट कर रहे हैं कि आप क्लाइंट भेजिए लेकिन आप सर्टिफिकेट लेके आइए, ये सर्टिफिकेट का क्या मतलब, क्या है ये सर्टिफिकेट? होटल्स ये बोल रही है आप क्लाइंट को भेजिए लेकिन वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे डॉक्टर से तो ही हम एंट्री देंगे, तो ये सर्टिफिकेट एग्जैक्टली क्या है? देखिए, ये सर्टिफिकेट के लिए जो बात है ना, ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। ये आप अगर एक डॉक्टर के पास आके पूछ रहे हैं कि मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं कल यहाँ से कहीं जाना चाहता हूँ तो मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको अभी सर्दी जुकाम बुखार नहीं है इस बात का वो सर्टिफिकेट आपको दे सकता है। आपको रास्ते में 12 घंटे के बाद अगर बुखार आ जाता है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कुछ मान्य नहीं रहे। तो एक्चुअली होटल वालों से थोड़ा दिलावर, अभी होटल्स खुल गए हैं और होटल्स से हम लोग को ये अपडेट आ रहा है कि अब आप गेस्ट भेज सकते हैं, बट गेस्ट को सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा डॉक्टर के पास से। तो ये सर्टिफिकेट क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या फीस है, कुछ आइडिया है? मतलब हम लोग को ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि सर्टिफिकेट किस बात का। ये सर्टिफिकेट जो होटल वाले मांग रहे हैं ये एक्चुअली कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। ऐसा कोरोना का कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। ज्यादातर डॉक्टर आपको ये लिख सकता है कि जिस दिन आप यहाँ उसके पास आए थे और उस दिन आपको कोई सर्दी जुकाम बुखार जैसा सिम्टम नहीं हो, नहीं है, बस इतना ही बोल सकता है। इस मजबूती में होटल आपको रहने को दे देता है तो मतलब अभी इसमें कोई ये फॉर्मेलिटी है जो कर रहे हैं बस, अदरवाइज इससे कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लगा था क्योंकि आप एक डेस्टिनेशन से निकले दूसरे डेस्टिनेशन, बीच में आपको हो गया, अब यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं है क्योंकि आप यहाँ से निकले और दूसरी जगह पहुंचे, रास्ते में आपको अगर कोरोना हो गया है तो उसके लिए पहला वाला डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, राइट? मरीज को बुखार आ रहा है, उसको डॉक्टर जब आया और उसको बुखार है, नजला है, जुकाम है, सूखी खांसी है, तब वो उसको देखेगा तो उसको मना कर देगा कि भाई आप ट्रैवल प्लीज मत करें। और अगर उसको ये सब चीज नहीं है तो ये सर्टिफिकेट कोई मान्य नहीं है। और अगर ये सब चीजें उसको है तो सर्टिफिकेट नहीं देगा। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि हमारा अगला सवाल लोग ये पूछ रहे थे कि ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है, तो वो आपने जवाब दे ही दिया कि ये सर्टिफिकेट वैल्यू ही नहीं रखता है क्योंकि एट द मोमेंट ही ये वैल्यू रखता है। पॉसिबल नहीं है सर्टिफिकेट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट देना पॉसिबल नहीं। ओके ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति छोटे सफर पर निकल रहा है तो उसको क्या क्या दवाई वगैरह रखनी चाहिए, मतलब जैसे कुछ इमरजेंसी है या जो भी है, अब क्योंकि ऑफिस खुल गए हैं तो लोग टूर्स पे भी जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन किट लेके चलना है उन्हें स्पेसिफिकली? बुखार की गोली डोलो, सिट्रिजीन जो सर्दी खांसी एलर्जी की दवाई होती है, ये सब, और विटामिन सी की दवाई वगैरह अपने साथ ले सकते हैं, विटामिन सी इम्यूनिटी थोड़ा बूस्ट करता है। इसके अलावा और उससे ज्यादा मेडिसिन आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स या SCQS जैसी जो दवाइयां हैं वो आप अपने आप से नहीं ले सकते, वो आपको डॉक्टर की सलाह ही लेनी पड़ेगी। आप पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है
कि हेलो मास्क लगाए और लोगों से एक मिनिमम दूरी बरकरार रखे, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए जी। ओके एक और सवाल अभी है कि अब रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, घर का खाना खा के सब पक गए हैं, लेकिन अभी बाहर खाने पीने के लिए ये सब क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, क्योंकि अब रेस्टोरेंट्स खुल गए, होम डिलीवरी शुरू हो गई है। खाने पीने से कोरोना का कोई संबंध नहीं है। ओके खाने पीने से कोरोना का कोई संबंध नहीं है, आपको जो मजा आना खाना वो खाइए। अरे क्या बात है, तो अब इतने दिनों तक तो यही गलत फहमी में हम चल रहे थे। चिकन फिश मटन वगैरह जो भी आपको खाना है खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके जो भी खा रहे हो अच्छे से पका होना चाहिए, प्रेफरेबली गर्म होना चाहिए। ओके ओके